भाई गोपाल जी एक सम्मानीय व्यक्ति थे जो गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय दौरान एक किराने की दुकान चलाते थे। लोग सुरक्षित रखने के उद्देश्य के साथ उनके पास पैसा जमा करवाया करते थे। एक दिन जमाल खान नाम के व्यक्ति ने भाई गोपाल जी के पास 500 सिक्के जमा करवाए। भाई गोपाल जी इन सिक्कों को अपने बही खाते में लिखना भूल गए और ना ही उनको इन सिक्कों को तिजोरी में सुरक्षित रखना ही याद रहा। कुछ समय बाद जमाल खान ने अपने जमा करवाए 500 सिक्के भाई गोपाल जी से वापस मांगे। भाई गोपाल जी ने अपनी जमा बही देखी तो उसमें जमाल खान के सिक्कों का कोई हिसाब नहीं मिला। फिर गोपाल जी ने अपनी तिजोरी देखी तो उसमें भी जमाल खान के सिक्के नहीं मिले। उसने जमाल खान से कहा कि उसके पास उसका पैसा नहीं है। जमाल खान ने कहा कि वह भाई गोपाल की शिकायत मुसलमान शासक के पास कर देगा अगर वह उसका पैसा वापस नहीं करेगा। भाई गोपाल ने एक बार फिर बही खाता देखा और खोज की, परंतु सिक्के नहीं मिले। उसने जमाल खान से कहा, मेरे पास आपके पैसे नहीं हैं, परंतु अगर आप कह रहे हो तो मैं आपको 500 सिक्के दे सकता हूँ। जमाल खान बादशाह के पास गया तो उसने गोपाल जी को बुला लिया। बादशाह ने कहा कि भाई गोपाल जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं नानक के सिक्कों को जानता हूँ और आप इस तरह का कोई काम नहीं करोगे, परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि जमाल खान झूठ नहीं बोल रहा। भाई गोपाल जी ने कहा कि मेरे पास इसका पैसा नहीं है, परंतु अगर आप कहेंगे तो मैं उसको 500 सिक्के दे सकता हूँ। बादशाह को समझ नहीं आया कि न्याय कैसे किया जाए। उसने इसका न्याय ईश्वर पर छोड़ दिया और कहा कि वे एक बड़ी कड़ाही में तेल को गर्म करेंगे और तांबे का एक सिक्का इसमें फेंकेंगे। जो इस सिक्के को बिना जले बाहर निकाल लेगा वही सच्चा होगा। भाई गोपाल जी ने गुरु जी को ध्यान में रख अरदास की। कुछ लोगों की सहायता के लिए कोई व्यक्ति होता है और कुछ लोगों के पास सहायता के लिए दूसरे लोग होते हैं, परंतु मेरे लिए आप मेरे एकमात्र मददगार हो। कृपा करके मेरी मदद करो और मेरी रक्षा कीजिए। भाई गोपाल जी ने अपना हाथ गर्म तेल में डाला और अपने हाथ या बाजू को बिना किसी नुकसान के सिक्का बाहर निकाल लिया। फिर जमाल खान ने अपना हाथ गर्म तेल में डाला, परंतु सिक्का उठाने से पहले ही उसका हाथ जल गया। उसको तुरंत डॉक्टरी इलाज दिया गया। भाई गोपाल जी परेशान थे कि उनकी वजह से जमाल खान को नुकसान हुआ है। फिर कुछ समय बीता और एक ग्राहक भाई गोपाल जी की दुकान में आया। जब गोपाल जी ने ग्राहक द्वारा चाही गई वस्तु की खोज की तो खाने के सामान वाले एक पीपे में उनको 500 सिक्के रखे मिले। वह तत्काल जमाल खान के घर गया और कहा कि मुझे आपके 500 सिक्के मिल गए हैं। जमाल खान ने यह सिक्के लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह बादशाह के दरबार और गांव वालों के सामने शर्मिंदा हो चुका है, इसलिए यह पैसे भाई गोपाल जी को ही रखने चाहिए। भाई गोपाल जी ने कहा कि यह पैसा उसका नहीं था और उसको गुरु जी द्वारा उन चीजें को रखने की इजाजत नहीं है जो उनकी ना हो। जमाल खान ने इस शर्त पर पैसा स्वीकार करने के लिए सहमति दे दी कि गोपाल जी उसकी मुलाकात गुरु जी के साथ करवाएंगे। भाई गोपाल जी और जमाल खान दोनों गुरु जी के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे। तब दीवान चल रहा था और गुरु साहब दीवान बीच विराजमान थे। जैसे ही भाई गोपाल ने गुरु जी को देखा, उनकी आंखों ने गुरु जी के चरण कमलों को अपने आंसुओं से धो दिया। गुरु जी ने भाई गोपाल जी से कहा, भाई गोपाल, तुम गुरु जी के घर में स्वीकार कर लिए गए हो। जमाल खान ने गुरु जी को सवाल किया, मैं और गोपाल दोनों सच्चे थे, परंतु मेरा हाथ तेल ने जला दिया, परंतु उसका नहीं, इसका क्या कारण था? गुरु जी ने कहा, सबसे पहले भाई गोपाल जी ने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। दूसरा, भाई गोपाल जी ने अपनी अरदास उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में की जिस पर उसको पूर्ण विश्वास था और जिसने उसकी जरूरत के समय मदद की। जब तुमने अपना हाथ तेल में डाला तो आपने अपनी मदद के लिए अलग अलग पीरों को स्मरण याद किया, परंतु तुम्हारे पास किसी एक में विश्वास और भरोसा नहीं था। जमाल खान ने गुरु जी के वचनों से सहमति जताई और कहा कि हाँ, उन्होंने अलग अलग पीरों को मदद के लिए याद किया था। शिक्षा किसी भी संबंध में प्यार भरोसे के साथ शुरू होता है और श्रद्धा विश्वास के बाद। वाहिगुरु, भगवान, अल्लाह, राम, परमात्मा पर भरोसा रखें कि वाहिगुरु हर एक कार्य जो हम कल्पना कर सकते हैं या हमारी कल्पना से भी बाहर है, सांसारिक या रूहानी, कर सकता है।
पराई अमानत को जहर के समान मानकर उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए।